ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु की, जो एक लड़की के चक्कर में अपने पूरे जीवन की आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर देता है। उसे संसारिक मोह अपनी तरफ खींचता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन से विचलित होकर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक उस पथ के विपरीत जो गौतम बुद्ध ने चुना था। गौतम बुद्ध का मार्ग था गृहस्थ जीवन को त्याग कर अध्यात्म को अपनाना। तो क्या क्या कांड करते ये बौद्ध भिक्षु ताशी आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं समंदर से 15,000 फीट की ऊंचाई में बसा तिब्बत। उसकी हसीन वादियों के बीच एक चरवाहा अपने भेड़ के झुंड को हांकता हुआ जा रहा है। अपनी पैनी नजर से शिकार की फिराक में ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहा बाज एक पत्थर जमीन से उठा के नीचे गिराता है, जो एक भेड़ के सर पे गिरता है और वो भेड़ तुरंत मर जाती है। तभी हम एक बौद्ध भिक्षु कबीले को देखते हैं, जो अपनी यात्रा पे जा रहे थे। उन्हें वहाँ से लंबी यात्रा कर एक बौद्ध भिक्षु को जगाने जाना है, जो 3 साल से समाधि में है। उनका शरीर अकड़ चुका है, शरीर पर धूल जम चुकी है और बाल नाखून बढ़ गए हैं। उनके कान में धीरे से कहा जाता है कि ताशी समय हो गया है। ताशी को नदी के किनारे लाया जाता है, बाल और नाखून काटे जाते हैं, उनको नहलाया जाता है और नए कांस्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। आश्रम लौटते वक्त काशी एक पत्थर पे लिखा देखता है, जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। ताशी के वापस आने पे सभी लोग बहुत खुश थे। अभी उसे कुछ समय लगेगा जब वो फिर से चल फिर और बोल सकेगा। एक दिन उसी आश्रम में एक बच्चे का पिता उसे आश्रम में छोड़कर जाने लगता है। इस पर वो बच्चा बहुत रोता है, उसे भी अपने पिता के साथ घर जाना है। तभी ताशी का दोस्त सोमन उससे पूछता है कि जब तुम्हें यहाँ पे लाया गया था तो क्या तुम भी रोए थे। पर ताशी को कुछ याद नहीं था, जब से उसने होश संभाला है उसने खुद को यहीं पे पाया है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें रिनपोचे यानी नामागुरु के अवतार ताशी को खेनपू की उपाधि देते हैं। बुद्धिज्म में खेनपू एक डिग्री है, जो बुद्धिज्म के गहन अध्ययन के बाद मिलती है। सबको मालूम है कि बुद्धिज्म में ताशी का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस समारोह में नाचते समय ताशी का ध्यान एक औरत पे जाता है, जो अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी और ताशी वहाँ से अपनी नजर हटा नहीं पाता। तब उसके गुरु अप्पू उसे वहाँ से ले जाते हैं। जब ये रिनपोचे को पता चलता है तो उसे पास के गाँव में फसल कटाई के त्योहार पे ले जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसे खुली हवा की जरूरत है। अगली सुबह वो गांव के जमींदार के घर पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा के वक्त चूड़ियों की खनक से ताशी का ध्यान बार बार भटकने लगता है और रात में उनका वहीं पे ठहरना था। जब ताशी सोने जा रहा था तो सीढ़ियों पे उसकी मुलाकात पेमा से होती है। पेमा जमींदार की इकलौती बेटी थी और ताशी की नजर उससे हट नहीं पाती। अगली सुबह सभी जाने की तैयारी करते हैं और ताशी का ध्यान अभी भी पेमा पे था, और अब तो पेमा भी ताशी को देख रही थी। पास खड़ा जामयांग भी यह नजारा देख रहा था, जो पेमा का मंगेतर है। रात को ताशी की सांस लेने की जोर जोर से आवाजें आती है और ये आवाजें सुनकर सोमन उसके पास जाता है। वो देखता है कि ताशी का नाइट फॉल हो रखा है। सोमन ये देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका मित्र रास्ता भटक चुका है और एक बौद्ध गुरु को ये शोभा नहीं देता। अगली सुबह सोमन उससे आंख चुराने लगता है। लामा अप्पू को ये बात समझते देर नहीं लगती, इसलिए वो ताशी को बुलाकर एक नक्शा देते हैं और उसे आज शाम को ही वहाँ जाने के लिए कहते हैं। ताशी के साथ आश्रम का पालतू कुत्ता काला भी ताशी के साथ जाता है। ताशी वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक गुरु मिलते हैं, जो चित्रकारी के जरिए उसे समझाते हैं कि ये शरीर खोखला है, इसके आनंद के लिए तुम भक्ति मार्ग को मत छोड़ो, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है और साथ में इससे जुड़े आनंद भी। मन पे काबू पाना ही इच्छाओं से मुक्ति है, लेकिन ताशी इंद्रियों पे था इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ताशी आश्रम पहुंचता है और अपने गुरु लामा अप्पू से पूछता है कि आपने ब्रह्मचर्य जीवन को परम संतुष्टि का मार्ग बताया है, तो फिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और किसी चीज को जाने बिना मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। लामा अप्पू से कहते हैं कि तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। रात को जब सभी सो रहे थे तो ताशी अपने घोड़े को लेकर आधी रात को वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ दूर निकल जाने के बाद वो पीछे मुड़ के अपने आश्रम को देखता है, जो कि उसका घर था। खाटी से उतरकर ताशी अपने कांस्य वस्त्र उतार देता है और साधारण कपड़े पहन लेता है। काला उस पे भौंकने लगता है, शायद वो ये कह रहा हो कि इस ताशी को मैं पहचानता नहीं। गाँव पहुंचकर वो उसी जमींदार तेन सिंह के यहाँ पे काम मांगने जाता है। उसे वहाँ पे काम पे रख लिया जाता है, क्योंकि तेन सिंह एक नेक आदमी था। अगले दिन से ही ताशी बाकी मजदूरों की तरह खेतों में काम करने के लिए जाता है। दोपहर को तेन सिंह ने अपनी बेटी पेमा को उसी नए मजदूर को खाना देने के लिए भेजा। जब पेमा ने देखा कि वो नया मजदूर ताशी है तो वो दंग रह जाती है। पेमा पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। ताशी कहता है, तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कल सुबह होने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा। शाम को पेमा उसके पास जाती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी, और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में विलीन हो जाते हैं। आधी रात को जब वो छुपकर घर में दाखिल हो रही थी तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पे कालिक पोत देती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ थी।
फेमा के पिता और उसका मंगेतर ताशी की पिटाई करने जाते हैं। पहले तो नहीं, पर तेनजिंग उस वक्त ताशी को पहचान लेता है और घर लाकर उसकी महरम पट्टी करता है। फेमा और जामयांग एक ही गांव की है और बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं। वो उसे बताती है कि कल ज्योतिष को बुलाया गया है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन ज्योतिष ने आकर शादी की तारीख इसी महीने की 10 तारीख रख दी। पर सभी हैरान थे कि शादी आखिर किससे होनी है, जामयांग से या ताशी से। ज्योतिष कहता कि और किससे होगी, ताशी से होगी। कल रात को ही जामयांग ने मुझसे ताशी और पेमा की शादी की बात की थी। जामयांग ने अपनी भावनाओं की कुर्बानी दे दी थी। पेमा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जामयांग कहता है कि हमारी शादी तो तय थी, फिर ज्योतिष को बुलाने की क्या जरूरत थी। 10 तारीख को ढोल नगाड़ों के साथ पेमा और ताशी की शादी हो गई। उनका जीवन सुखी से बीतने लगा। इस बार भी फसल की कटाई के बाद बिचौलिए उनके अनाज को खरीदने के लिए आते हैं। नाप तोल करते समय ताशी को कुछ गड़बड़ी लगती है और चाचने भी पता लगता है कि उसका तराजू सही नहीं है और यहाँ पे इनकी बहस छिड़ जाती है। बिचौलिया बिना अनाज खरीदे वहाँ से चला जाता है। तेनजिंग ताशी भी गुस्सा करता है कि अब कौन हमारा अनाज खरीदेगा। ताशी कहता है हम खुद अपना अनाज बाजार लेके जाएंगे और वहाँ पे बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए गर्भवती पेमा खाना एक गठरी में बांधकर ताशी को देती है। सारा सामान एक ट्रक में लादकर वो तिब्बत बाजार में पहुंचे और अपना सारा अनाज बेच दिया। पहले के मुकाबले आज उन्होंने काफी मुनाफा कमाया। तेनजिंग आज काफी खुश है। रास्ते में उन्हें बिचौलिया मिला जो कहता है कि मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सालों से तुम्हारा अनाज बेचता आया हूँ और आज इस लड़के के कहने पे तुमने अपने तौर तरीके बदल लिए। वहीं ताशी के वापिस आते आते पेमा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया जिनका नाम इन्होंने कर्मा रखा। एक दिन पेमा की सहेली सुजाता जो एक मजदूर की बेटी है, ताशी को वो नदी के किनारे नहाते हुए दिखती है और वो उसे देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और अब कर्मा 5 साल का हो चुका है और इस बार जामयांग अब उस बिचौलियों को अनाज बेच रहा था और ताशी उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बार भी बिचौलिया वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जामयांग ताशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करते हैं। उसी रात ताशी की पकी फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल में आग फैलते देर नहीं लगती, पूरा गांव मिलकर उसे बुझाने में लग जाता है। आग बुझाते बुझाते सुबह हो जाती है लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। गुस्से में ताशी जामयांग पे शक करता है कि उसी ने ये आग लगाई होगी। जब उसने इनकार कर दिया तो अब शक करने के लिए एक इंसान बचा था। वो तुरंत घोड़ा लेकर बिचौलिए के पास जाता है और वहाँ पे बिचौलिए के लोग उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर बिचौलिया कहता है कि तुम्हारा इल्जाम गलत है, यहाँ ऐसे काम कोई नहीं करता। फेमा और तेनजिंग भी उसके पीछे पीछे पहुंचे और उसे घर लेकर आए। कुछ दिन बाद बचा खुचा अनाज लेकर पेमा सौदे के लिए बाजार निकली और आज भी सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने उसके घर आती है और ताशी उसके साथ हम बिस्तर होने से खुद को रोक नहीं पाता। जब पेमा वापस आई तो वो उससे नजरें मिला नहीं पाता। ताशी सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी ताशी के पास उसका दोस्त सोमन आता है। पुराने दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो बताता है कि लामा अप्पू अब नहीं रहे। जब उन्हें पता चला कि उनका समय आ गया है तो उन्होंने ये पर्चा तुम्हें देने के लिए कहा। उसमें लिखा है कि ताशी मेरा समय आ चुका है पर मुझे नहीं पता कि मेरा काम अभी खत्म हुआ है। मुझे दोबारा इस संसार में आना होगा। मुझे यकीन है कि हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा और मुझे यकीन है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होगा कि हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या एक पर विजय पाना। तुम्हारा गुरु अप्पू। ताशी को ये सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो सारा सारा दिन सोचता रहता है और एक दिन वो रात को अपने घर से निकल जाता है। सुबह उसी नदी में उसने अपने गृहस्थ का जीवन त्याग कर कांस्य वस्त्र धारण किए। रास्ते में उसे पेमा मिली जो उसे कहती है कोई भी इंसान ऐसे रातों रात अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता है। कल को उसका बेटा जब उसके पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। अगर तुमने मुझसे जितना प्रेम किया है अगर उतना अपने धर्म से किया होता तो अब तुम जीवन में बुद्धा बन गए होते। इसके बाद पेमा चली जाती है और ताशी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रोने लगता है। जब उसके आंसू सूख गए तो उसे वही पत्थर मिला जिसपे लिखा था कि जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए। पत्थर के पीछे जवाब लिखा था उसे समंदर से मिल जाने दो फिर वो कभी नहीं सूखेगा। तभी ताशी को ऊपर आसमान में एक बाज चक्कर लगाते हुए दिखता है। ताशी सोचता है कि काश ये बाज एक पत्थर उस पे भी फेंक दे और उसकी सारी विडंबना और पीड़ा का अंत कर दे। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। हमारा जीवन बारिश की बूंदों के समान है, जब ये भाप बन जाता है तो मृत्यु के समान है। और यही जल की बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, फिर ये कभी नहीं सूखेगा। इंसान की इच्छाओं आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है। पहले काम वासना, फिर भौतिक चीजों के लिए लोभ, धन राग द्वेष और अंत में प्राय स्त्री पे नजर।